हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। TW के शो सवाल के साथ मैं हूं बीनेश जावेद। बचपन में हम में से बहुत से लोगों ने साइकिल तो ज़रूर चलाई होगी, लेकिन यूरोपीय ममालिक, खासतौर पर हॉलैंड, डेनमार्क और जर्मनी में साइकिल महज बच्चों और नौजवानों का शौक नहीं, बल्कि यहाँ आपको हर उम्र के शहरी साइकिल चलाते दिखाई देते हैं। और अब तो नित नई टेक्नोलॉजी से आरास्ता साइकिलों की मांग बहुत बढ़ गई है। तफसीलात बताएंगे आपको आज के शो में। इसके अलावा सवाल में आज, वर्जिश के जरिए इंसानी जीन्स में तब्दीली मुमकिन, रूस की बेलोगा व्हेल की तादाद में तेजी से कमी और जर्मन कार ऑडी डिजाइन कराएं अपनी मर्जी के मुताबिक। क्या आपने कभी सोचा है कि मुस्तकबिल की साइकिलें कैसी होंगी? अब ऐसी साइकिलें तैयार की जाने लगी हैं जिनमें टच स्क्रीन, मिनी कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक गियर सिस्टम लग रहे हैं। इतनी जबरदस्त साइकिल के चोरी होने का खतरा तो बढ़ गया, मगर फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि अब तो साइकिल चोरों की पकड़ाई के लिए स्मार्टफोन एप्लीकेशंस भी मार्केट में आ गई हैं। एक नई बाइक ऐसी हो सकती है स्पीड पेडलेक साइकिलिंग गाड़ियों में एसयूवी जैसी हैं। मोटर से मिलने वाली थोड़ी सी मदद और कोई ना तजुर्बा कार भी 45 किलोमीटर फी घंटे की स्पीड तक जा सकता है। इस साइकिल के फ्रेम में बैटरी भी है, टच स्क्रीन वाला मिनी कंप्यूटर और जीपीएस सिस्टम भी। स्पीड पेडलेक्स का गियर सिस्टम मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉनिक है। आप 180 किलोमीटर दूर तक जा सकते हैं और ब्रेक लगाने पर हर बार बैटरी थोड़ी सी खुद ब खुद रिचार्ज भी हो जाती है। बात यहीं पूरी नहीं होती, ये साइकिल एक स्मार्ट बाइक है। इसे मोबाइल फोन के जरिए एक ऐप के साथ कंट्रोल भी किया जा सकता है। मैं एक ऐप के जरिए साइकिल को बता सकता हूं कि उसे क्या करना है। मोटर की कारकर्दगी भी एडजस्ट हो सकती है। इसके अलावा अगर बाइक चोरी हो जाए या मैं ढूंढ ना पाऊं तो इलेक्ट्रॉनिक मोटर को ऐप के जरिए ब्लॉक भी किया जा सकता है, फिर ये बाइक चलेगी ही नहीं। मैं ये भी पता चला सकता हूं कि मेरी बाइसिकल इस वक्त कहां है। Genauso habe ich dann die Möglichkeit eben über die App festzustellen, wo sich das Rad zu dem Zeitpunkt befindet. किसी साइकिल में इतना कुछ लगा हो तो वो महंगी तो होगी। ये बाइक करीब 9000 यूरो की है, जिसे पहियों वाला कंप्यूटर कह सकते हैं। साइकिलों की तजारती नुमाइशों में जाने वाले शायकीन जानते हैं कि ऐसी साइकिलें तो इससे भी महंगी होती हैं। नई सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी को आम साइकिलों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जर्मनी में सालाना करीब 3.5 लाख साइकिलें चोरी हो जाती हैं। एक हल्की सी आवाज और ये साइकिल चोरी हो गई। जिसकी साइकिल गई उसका नुकसान तो हो गया। मेरी चंद साइकिलें चोरी हो चुकी हैं, मेरे दोस्त मार्टिन की भी, उसकी तो 3 साल में 5। जब उसकी रेसिंग साइकिल चोरी हुई तो हमने कहा अब साइकिल चोरों से जंग होगी। बीप बीप की ये तेज आवाज भी इसी जंग का हिस्सा है। इसका नाम इंसेक्ट है। ये चोरों के खिलाफ मेरी साइकिल का मुहाफिज भी है और ट्रैकिंग डिवाइस भी। इसे साइकिल के फ्रेम पर लगाकर ब्लूटूथ के जरिए स्मार्टफोन से जोड़ा गया है। ये जानता है कि साइकिल की मालिक मैं हूँ। कोई चोरी की कोशिश करे तो ऊंचा अलार्म बजने लगता है और मुझे फोन पर इत्तला भी मिल जाती है। यही इंसेक्ट एक ट्रैकिंग डिवाइस भी है। ये इंसेक्ट सिर्फ मालिक को ही नहीं बल्कि इस ऐप के दीगर सार्फीन को भी इत्तला करता है कि चोरी शुदा साइकिल कहाँ है, जो उसे वापस लाने में मदद कर सकते हैं। अब चोरों का काम मुश्किल हो गया है। ज्यादा अच्छी बात तो यह है कि कोई साइकिल चोरी ही ना हो, लेकिन ये ताला कैसा है?
टेक्सटाइल का बना हुआ ये एक ऐसा ताला है जो इतना मजबूत है जैसे कोई फौलादी जंजीर। इसे खास तरह के धागों से बुनकर बनाया गया है। ये ना काटा जा सकता है और ना जलाया जा सकता है। ये ताला तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। ये तो फिर हम देखना चाहेंगे। बात तो सच निकली, लेकिन कपड़े का बना फौलाद जैसा मजबूत यह हल्का सा ताला है बहुत महंगा। ताले की लंबाई के मुताबिक कीमत 100 से लेकर 130 यूरो तक। अच्छी साइकिल महंगी तो होती है, जिसे अपनी बाइक प्यारी हो वो उसके लिए तरह तरह का सामान भी शौक से खरीदता है, चाहे वो डेकोरेशन हो या फिर लाइटें। लाइट भी जरूरी है, अंधेरा हो जाए तो साइकिल सवारों के लिए खतरात बढ़ जाते हैं। इसके बावजूद सड़कों पर मध्यम रोशनी वाली या बगैर लाइटों के साइकिलें भी नजर आती हैं। लेकिन जिन साइकिलों की लाइटें कानून के मुताबिक भी हों, कभी कभी उनका भी पता नहीं चलता। इस काम में लूमोस नामी यह हेलमेट मदद दे सकता है, जो अमरीकी शहर बॉस्टन के दो तलबा ने तैयार किया। यूं किसी तारीख रास्ते पर भी 60 LED लाइटों की वजह से साइकिल सवार अच्छी तरह नजर आ जाता है। इस हेलमेट में सुर्ख रंग की ब्रेक लाइट्स भी लगी हैं और इंडिकेटर भी। साइकिल सवारों के अंधेरे में नजर आने और उनकी बेहतर हिफाजत के लिए लूमोस कोई वाहिद शानदार आइडिया नहीं है। साइकिलों के गाड़ियों के साथ ज्यादा हादिसात चौराहों में होते हैं। देखो तो सही, एक लेजर लाइट और सड़क पर दूर तक रोशनी से बनी एक साइकिल। बर्तानिया की बनी ये लाइट उन ड्राइवरों को भी खबरदार कर देती है जो डेड एंगल के बाइस कोई साइकिल देख नहीं पाते। इतनी जदीद और आरामदेह साइकिलें हों तो क्यों ना गाड़ियों को छोड़कर साइकिल की सवारी की जाए। अब आते हैं अगले मौजू की तरफ। इंसानी जिस्म में जीन्स का किरदार इंतहाई अहम है। जदीद तहकीक ने यह साबित किया है कि वर्जिश से जीन्स की सरगर्मियों को तब्दील किया जा सकता है। ये इंकशाफ रिसर्चर्स पर तब हुआ जब उन्होंने एक इंसानी टांग की ट्रेनिंग से वहाँ मौजूद 4000 जीन्स के अफाल को तब्दील कर दिया। है ना चौंका देने वाली बात। जीन्स में तब्दीली से सेहत पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। ये तो सभी जानते हैं कि वर्जिश करना जिस्म के लिए अच्छा है, लेकिन ये हमारे जीन्स पर क्या असरात मुरतब करती है, ये मशीन इस सवाल का जवाब देने में मदद करेगी। ये शख्स 3 माह तक हफ्ते में 4 मरतबा सिर्फ एक टांग से ट्रेनिंग करेगा। जरा तेज चलाएं। स्टॉकहोम के कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट की मालिने लिंडहोम के लिए एक चीज अहम है, वो ये कि रजाकाराना तौर पर वर्जिश करने वाला सिर्फ एक टांग इस्तेमाल करेगा, दूसरी बिल्कुल नहीं। जबरदस्त। तुम जानते हो कि हम एक टांग की ट्रेनिंग इसलिए कर रहे हैं कि दोनों टांगों के जीन्स यकसा हैं। इन्हें एक जैसी नींद और खुराक मिलती है, सिर्फ वर्जिश ही मुख्तलिफ है। हम दूसरी टांग को अपने कंट्रोल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। Your own control. अगर वर्जिश से हमारे जीन्स तब्दील होते हैं तो ये सेहत के लिए भी फायदेमंद होगा। हम सब जानते हैं कि वर्जिश के बहुत फायदे हैं। मसलन वर्जिश से बहुत सी आम पाई जाने वाली बीमारियों का रिस्क कम किया जा सकता है, जैसे कि डायबिटीज, मोटापा, दिल की बीमारियां और मुख्तलिफ किस्म के सरतान। लेकिन हम सेहत के इन फवायद के पीछे कारफरमा मैकेनिज्म को मुकम्मल तौर पर नहीं समझते। जीन्स की जांच के लिए मुहक्किकीन उजलाती खलियों का एक छोटा सा नमूना लेते हैं, एक वर्जिश की हुई और दूसरा बगैर वर्जिश वाली टांग से। रिसर्चर्स किसी भी हयातियाती कीमियाई तब्दीली का पता लगाने के लिए उजलाती टिश्यूज के DNA की जांच करते हैं। इस जांच के नतायज से पता चला कि सिर्फ वर्जिश से DNA में मुतनव्वे तब्दीलियां रूनुमा हुईं।
یہ نتائج محققین کے لیے بھی حیران کن تھے۔ ہم نے دیکھا کہ ورزش سے آپ کے قریب 4,000 جینز کی سرگرمی میں تبدیلی آئی، جبکہ ہمارے کروموسومز کے مکمل سیٹ میں کل جینز ہی 20,000 ہیں، یعنی 20% تبدیلی۔ 4,000 سے زائد جینز کی سرگرمی میں تبدیلی صرف باقاعدہ ورزش سے؟ محققین ورزش کے اثرات کے طور پر جینیاتی سرگرمیوں میں تبدیلی کے ایک بڑے نیٹ ورک کا پتہ چلانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ تاہم جینز محض متاثرہ پٹھوں کے ریشے کی نشو نما پر ہی اثر انداز نہیں ہوتے، بلکہ یہ سیلولر توانائی، شوگر میٹابولزم، کاربوہائیڈریٹ اور چربیلے خلیوں کی بناوٹ کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ فرانسیسکو ماربیتا بائیو انفارمیٹکس کے ماہر ہیں۔ انہوں نے جسم میں تبدیل شدہ جینز اور ان کے عوامل پر تفصیلی نظر ڈالی ہے۔ انہوں نے مشاہدہ کیا کہ جینز ایک دوسرے سے آزاد رہتے ہوئے بھی اندرونی متصل نیٹ ورک کے ذریعے مربوط رہے۔ جینز ایک ہی طرح سے سرگرم ہوتے ہیں اور ایک جیسے افعال میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے فیس بک یا ٹویٹر پر دوستوں کا کوئی نیٹ ورک ہو، جب وہ ایک جیسے لائک شیئر کریں اور ایک جیسی جگہوں پر چیک ان کریں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی خاصیتیں بھی ایک طرح کی ہیں۔ ان میں سے ایک نیٹ ورک کا کام علم حیاتیات کی ایک شاخ مورفولوجی سے متعلق ہے، جبکہ دوسرے کا خلیاتی توانائی سے۔ یہ حقیقت ہے کہ ورزش جیسے سادہ عمل سے بنیادی طور پر ہر ایک اپنا لائف سٹائل تبدیل کر سکتا ہے۔ ہم دراصل نہ صرف اپنے بہت سے جینز کو تبدیل کر سکتے ہیں، بلکہ میتھائل کاری اور تولیدی تبدیلیوں کو بھی، جو ان جینز کو بھی کنٹرول کرتی ہیں۔ ہمارا جسم جینز کو متحرک کرنے والے ایک پیچیدہ پروگرام کا حامل ہے، جس سے ہماری صحت بہتر ہو سکتی ہے۔ اسے صرف لگاتار ورزش سے حرکت میں لانے کی ضرورت ہے۔ اب وقت ہے ایک بریک کا، لیکن کہیں مت جائے گا، کیونکہ بریک کے بعد لے چلیں گے آپ کو روس اور دکھائیں گے کہ روس کی سفید ویل مچھلی کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ یہ ڈی ڈبلیو اردو کی ویب سائٹ ہے۔ آزاد صحافت، خبریں، پس منظر، تجزیے اور تبصرے، جرمنی، یورپ اور دنیا بھر سے۔ dw.com/اردو۔ روس میں بیلوگا یا سفید ویل مچھلی کو تجارتی مقاصد کے لیے پکڑا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بحیرہ اسود میں 20 سے 50 ہزار کے قریب سفید ویل پائی جاتی ہیں، تاہم یہ اندازے غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ شکار کی وجہ سے بیلوگا ویل کی تعداد تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ روسی بیلوگا کو بہت مہنگے داموں مختلف پارکس، مچھلی خانوں اور چڑیا گھروں کو فروخت کر دیا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں اس نسل کی 160 مچھلیاں ایک طرح سے قید ہیں۔ ان دونوں روسی فلم سازوں کے سفر کا آغاز بحیرہ اسود سے ہوتا ہے۔ بیلوگا یا سفید ویل اپنی منفرد سریلی آواز کی وجہ سے مشہور ہیں۔ یہ دونوں فلم ساز بچپن ہی سے اس سمندری دیوی کے عشق میں مبتلا تھیں۔ اس دوران انہیں علم ہوا کہ کس تیزی سے یہ نسل ختم ہوتی جا رہی ہے۔ بیلوگا کو اکثر ڈولفن کے مراکز کو فروخت کیا جاتا ہے۔ یہ آرکٹک کے پانیوں میں ایک بڑے خاندان کی صورت میں رہتی ہیں۔ یہ ایک ہوشیار اور سماجی مخلوق ہے۔ یہ دونوں فلم ساز ان مچھلیوں کو کھلے پانیوں سے نکال کر چھوٹے چھوٹے تالابوں میں قید کرنے کو ایک جرم تصور کرتی ہیں۔ ان کی تحقیق کے مطابق بحیرہ اسود کے کنارے اور چین میں مچھلی گھر یا ڈولفن خانے بالکل اس رفتار سے بڑھ رہے ہیں جس تیزی سے مشروم یا کھمب زمین سے اگتی ہے۔ اس وجہ سے بیلوگا ویل کی مانگ بھی بڑھ رہی ہے۔ سفید ویلز عام طور پر ایک دن میں 100 کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہیں، تاہم یہاں اس مچھلی سے کرتب کرائے جاتے ہیں۔ پانی کے اس ہوشیار جانور کو ریموٹ کنٹرول سے چلانے والا ایک کھلونا بنا کر رکھ دیا گیا ہے۔
बंद दरवाजों के पीछे या मछली घरों में बेलोगा व्हेल्स और डॉल्फिन्स के साथ होने वाले सलूक के बारे में जानकर बहुत दुख होता है, लेकिन दिल उस वक्त और भी दुखता है जब आपको ये पता चले कि आप इनके लिए कुछ नहीं कर सकते। ये दोनों खवातीन 4 साल तक इस बारे में तफसीलात इकट्ठी करती रहीं। रूस में हर उस जगह गईं जहां बेलूगा को कैद किया गया था। मछलियों को इंतहाई नामुनासिब हालात का सामना है और ये फिल्म भी इन्हीं हालातों वाकयात पर बनाई गई है जिसकी आजकल रूस में नुमाइश जारी है। मेरे लिए सबसे तकलीफ दे सफर मशरिक़े बईद का था। वहाँ पर मैंने जो कुछ देखा वो नाकाबले बयान है। जानवरों को सुधारने के लिए उन पर तशद्दुद किया जाता है और ख़ास तौर पर नकलो हमल के दौरान तो कई जानवर हलाक भी हो जाते हैं। रिकॉर्डिंग के दौरान हमें भी कई मर्तबा धमकियाँ दी गईं। बहुत कोशिशों के बाद कुतुब शुमाली में ये दोनों फिल्म के कुछ हिस्से रिकॉर्ड करने में कामयाब हो गईं। इन लोगों को कम उम्र भूरी रंग की बेलूगा व्हेल की तलाश होती है क्योंकि इन्हें तरबियत दी जा सकती है। सफ़ेद रंग की व्हेल अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करती हैं और कभी कभार खुद भी जाल में फंस जाती हैं। बहुत सी इस दौरान हलाक भी हो जाती हैं। इन पुरानी जंग आलूद कश्तियों पर इन्हें चीन ले जाया जाता है। कई रोज तक ये एक छोटे से टब में बंद रहती हैं और इन्हें अक्सर सख्त अब आप वर्चुअल रियलिटी के जरिए 166,000 यूरो की ऑडी मोटर कार की टेस्ट ड्राइविंग कर सकते हैं। अब गाड़ियों की जर्मन कंपनी ऑडी वर्चुअल रियलिटी के जरिए अपने ग्राहकों के ख्वाबों की गाड़ी को उनकी मर्जी के डिजाइन करने पर काम कर रही है। ऑडी की R8 स्पोर्ट्स कार के एक आम मॉडल की कीमत 166,000 यूरो है। ये स्पोर्ट्स कार रोजमर्रा इस्तेमाल के लिए नहीं और हर कोई इसे खरीद भी नहीं सकता। ताहम बर्लिन में वाक़े ऑडी सिटी में आप इस कार का इंतहाई करीब से मुशाहिदा और तजुर्बा कर सकते हैं वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस के साथ मुकम्मल डिजिटल सेटअप में। जैक मार्टिन्स ने ये ऐनक पहली मर्तबा पहनी है। वो इस कार का मुकम्मल जायजा ले रहे हैं। इस कार को पूरी तरह महसूस करने के लिए शुरू में जल्दबाजी से बचना होगा। इस कार का वर्चुअल तजुर्बा एक शानदार एहसास है। कारसाज इदारे इस कोशिश में हैं कि खरीदार अपने ख्वाबों और ज़रूरियात के मुताबिक अपनी कार खुद डिज़ाइन कर सकें। ऑडी को उम्मीद है कि वर्चुअल रियलिटी और दीगर इजाफी फीचर्स के बायस खरीदारों की तादाद बढ़ेगी। हर ऑडी पार्टनर इस गाड़ी के तमाम मॉडल्स को स्टॉक में रखने के काबिल नहीं होगा। इस कार की ये डीलरशिप पहले के मुकाबले में 25% जायद इजाफी फीचर फरोख्त कर रही है। मार्केटिंग के कुछ लोग शुबहात का शिकार हैं, लेकिन जल्द ही सारे डीलर्स को वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस मिल जाएंगे। कारसाज इदारा डैमलर भी ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ ये जानने की कोशिश की जा रही है कि पैदल चलने वालों को खबरदार करने की खातिर खुद कार ड्राइविंग करने वाली FO15 नामी कॉन्सेप्ट गाड़ी की लाइटें कैसी हों और इसमें से किस तरह के साउंड सिग्नल निकलना चाहिए। नए आइडियाज को हकीकी जिंदगी के से हालात में टेस्ट करने के लिए वर्चुअल रियलिटी की टेक्नोलॉजी इंतहाई अहम है। यह हमें एक ऐसा मौका फराहम करती है कि हम तजर्बात की दुनिया में रहते हुए ही हकीकत के बहुत करीब जा सकते हैं। माहरीन इस टेक्नोलॉजी की मदद से कारों के मुख्तलिफ मॉडलों के अंदरूनी डिजाइन पर काम कर रहे हैं। ताहम अभी तक इस तरह बनाए गए डिजाइन एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक मुंतकिल नहीं किए जा सकते। दुनिया भर में हमारे मुतादित स्टूडियोज हैं। हमें मिसाल के तौर पर कैलिफोर्निया, चीन और जर्मनी में कायम अपनी लोकेशंस को एक दूसरे से मरबूत बनाना है। अमेरिका में एक स्टूडियो ऐसा है जहां डिजाइनर्स वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस पहनकर जर्मनी के उसी माहौल को महसूस कर सकते हैं जिसमें हम यहां काम कर रहे हैं। वीरा शमिट दुनिया भर में कायम डैमलर के स्टूडियोज की एक दूसरे के साथ फौरी नेटवर्किंग को मुमकिन बनाने की कोशिश में है। तो कैसा लगा आपको आज का शो? कौन सी रिपोर्ट थी सबसे ज्यादा दिलचस्प? जरूर बताएं #सवाल के साथ हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर अकाउंट पर।
सवाल में शामिल रिपोर्ट्स देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट dw.com/urdu। अब दीजिए हमें इजाजत, आइंदा हफ्ते फिर हाजिर होंगे साइंस की दुनिया की मजीद हैरत अंगेज रिपोर्ट्स के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।